नमस्कार, प्रॉपर्टी बाजार में सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कि कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी रियल एस्टेट एक्सपर्ट प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। लेकिन आपके सवालों के जवाब देने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। NH24 चौड़ा किया जाएगा और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने से दिल्ली गाजियाबाद के बीच ट्रैफिक जामों से राहत मिलेगी। गाजियाबाद और दिल्ली के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से गाजियाबाद के प्रॉपर्टी बाजार को होगा काफी फायदा। रिहायश और निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और ठाणे बेलापुर इलाका क्या बन सकता है नया BKC, हम डालेंगे एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद के बाशिंदों को नए साल का एक तोहफा दिया है, NH24 को चौड़ा करने का ऐलान। ये एक ऐसा हाईवे है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है दिल्ली जाने के लिए और इसका लंबे वक्त से इंतज़ार भी हो रहा था। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा गाजियाबाद के प्रॉपर्टी बाजार पर। अगले 30 महीनों में गाजियाबाद की NH24 पर ट्रैफिक समस्याओं का हल निकल आएगा। सरकार ने NH24 से ट्रैफिक कम करने के लिए 7500 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। दिल्ली और मेरठ के बीच इस हाईवे को सिग्नल मुक्त एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिससे दोनों शहरों का फासला सिर्फ 40 मिनट में तय किया जा सकेगा। मेरठ ने गुलामी से मुक्ति का मार्ग दिखाया था और आज दिल्ली से मेरठ का ये एक्सप्रेस हाईवे प्रदूषण से मुक्ति का मार्ग दिखा रहा है। काम समय पर पूरा हो सके इसके लिए 96 किलोमीटर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को 4 चरणों में बांटा गया है। मौजूदा NH24 को दिल्ली से UP सीमा तक और फिर डासना तक चौड़ा करके 14 लेन का किया जाएगा। डासना से NH24 हापुड़ होते हुए मेरठ जाएगी। गाजियाबाद के रियल एस्टेट बिल्डरों के लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स की कनेक्टिविटी बेहतर होने से खरीदार ज्यादा आएंगे। NH24 और नोएडा एक्सटेंशन में बेसिक डिफरेंस है डेंसिटी। NH24 पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ग्रीन है। जब आप NH24 बन जाएगा तो एक्सटेंशन पहुँचने में नोएडा के थ्रू ज़्यादा समय लगेगा दिल्ली से, जबकि NH24 पहुँचने में कम समय लगेगा। NH24 की सारी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है जबकि नोएडा एक्सटेंशन की सारी प्रॉपर्टी लीज होल्ड है। ये एक बायर अभी इमीडिएटली डिफरेंस नहीं समझ पाता, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस इज अ बिग डिफरेंस इन द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। NH24 बाईपास NCR के किफायती बाजार के तौर पर उभरा है और बिल्डरों को उम्मीद है कि कनेक्टिविटी बेहतर हुई तो खरीदार नोएडा एक्सटेंशन के बजाय NH24 आना पसंद करेंगे। आज के रेट में तकरीबन हम 2,000 से 3,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस बोल रहे हैं फ्रॉम मेन गाजियाबाद लोकेशंस टू NH24। तो एक वो बेनिफिट जो है वो बेनिफिट मेजॉरिटीली कस्टमर को पास ऑन होगा। प्राइस थोड़ी सी बढ़ेंगी बट डेफिनेटली कस्टमर को रिलेटिवली जब वो कंपेयर करेगा दूसरी लोकेशन से, सो 15 मिनट और ट्रैवल करने में उसको तकरीबन 2,000 रुपये सस्ता बेटर फैसिलिटीज़ वाला टाउनशिप मिल जाएंगी। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं तो BJP की केंद्र सरकार और समाजवादी पार्टी की राज्य सरकार दोनों सड़क जैसे बड़े प्रोजेक्ट बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। ट्रैफिक के दृष्टिकोण से गाजियाबाद एक कंजेस्टेड प्लेस जो हो रहा था उसको हम लोगों ने दूर करने के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट गाजियाबाद को दिया है, चाहे वो एलिवेटेड रोड हो जो 1,200-1,300 करोड़ रुपए का हो, मेट्रो हो, NH24 NH58 को जोड़ने वाली लिंक सड़क हो, या ROB अंडर पास हो, ROB हो, IOB हो, FOB हो, ये सारे मिला के लगभग 4,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम लोग ट्रैफिक में, और जिसका इम्प्लीमेंटेशन विदिन ईयर कम्प्लीट हो जाएगा। NH24 को चौड़ा करने के अलावा दिलशाद गार्डन मेट्रो एक्सटेंशन, हिंडन के ऊपर एलिवेटेड रोड और NH24 व NH58 के बीच की लिंक रोड से राजनगर एक्सटेंशन और नोएडा के बीच की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
लेकिन गाजियाबाद में प्रॉपर्टी बाजार को फायदा तभी होगा अगर ये प्रोजेक्ट सही समय पर पूरे होते हैं। गाजियाबाद से ओइनतम ओझा और कैमरा पर्सन एजे जोसेफ के साथ वसुधा शर्मा, NDTV। और चलिए अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ वैशाली हैं। तो चलिए रुक करते हैं हमारे पहले कॉलर का, इमरान एम खान हमारे साथ मौजूद है। इमरान पूछिए अपना सवाल। मैम एक्चुअली इमरान बोल रहा हूँ, मैं नोएडा 71 से जी। एक्चुअली मैं एक 2 BHK के लिए प्रॉपर्टी देख रहा था, आदित्य सिटी अपार्टमेंट जी, अराउंड 950 square feet का एरिया है, तो वो हम लेना ठीक करें या फिर वेव सिटी में जाना ठीक रहेगा, और इधर NH-24 के पास में जो भी प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट हो इसके अकॉर्डिंग। मेरा बजट अराउंड 26 to 27 lakh का है मैम। जी जरूर, तो इन्होंने अपना इलाका भी बताया है, चॉइस दी है और साथ में प्रोजेक्ट्स भी बताए हैं, तो आप इनके लिए क्या सोच रहे हैं? इमरान जी, आपने NH-24 और NH-24 बाईपास का क्षेत्र चुना है, एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव है ये, अगर आप इसे इंदिरापुरम या वसुंधरा जैसे क्षेत्रों से कंपेयर करें जहाँ के औसत दाम 5,500 से 6,000 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं, उस हिसाब से ये एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव है। साथ में डायरेक्ट कनेक्टिविटी है इस क्षेत्र की दिल्ली की तरफ, वेल कनेक्टेड है ये 62 और 63 नोएडा सेक्टर्स से, जो कमर्शियल सेक्टर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं। काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है इस पूरे स्ट्रेच पे, NH-24 के स्ट्रेच पे, जो भी एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर बन चुका है इस क्षेत्र के लिए। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करें इस माइक्रो मार्केट के, NH-24 बाईपास और NH-24 के जो अपार्टमेंट्स के आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 24 हैं, टोटल सप्लाई 15,900 यूनिट्स की है, उपलब्ध यूनिट्स 7,200 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 28 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 2,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में अगर प्राइस ट्रेंड पे नज़र डालें तो देखें हैं कि 31% तक की बढ़त नज़र आई है दामों में, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो 12 से 13% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने खुद चुना है, आपने NH-24 बाईपास पे अग्रवाल एसोसिएट्स का आदित्य सिटीज अपार्टमेंट प्रोजेक्ट चुना है, 2,790 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये डेवलपर से मिल रहा है। 2 BHK की 924, 925 या फिर 950 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं, 2017 में ये तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट की बात करें तो 185 acres की टाउनशिप आदित्य वर्ल्ड सिटी का हिस्सा है जो मेन NH-24 बाईपास रोड पे लोकेटेड है। इसके भीतर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, विलाज, प्लॉट्स और कमर्शियल डेवलपमेंट भी बनाया जा रहा है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स अगले साल तक तैयार भी हो जाएंगे। जो ये अपने आप में प्रोजेक्ट है ये 14 acres पे बनाया जा रहा है, जिसके भीतर 14 towers होंगे ग्राउंड प्लस 19 stories के। कंस्ट्रक्शन इसका मिड लेवल स्टेज तक पहुंच चुका है और अर्ली 2017 तक ये तैयार भी हो जाएगा। कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल यहाँ से सिर्फ 1 kilometer की दूरी पे है। टाउनशिप के भीतर काफ़ी सुविधाएं हैं, जैसे 3 schools बनाए जा रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 primary schools हैं और 1 secondary school है। हमारी राय में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, आपके लिए रिनाउंड डेवलपर हैं, 185 acres की टाउनशिप है, टाउनशिप बेनिफिट्स भी मिलेंगे, दाम भी काफ़ी रीजनेबल है, आप ज़रूर इसे चुन सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए 2 और ऑप्शंस भी लेके आए हैं जिनको भी आप देख सकते हैं। सबसे पहला है NH-24 सिद्धार्थ विहार में प्रतीक ग्रुप का प्रतीक ग्रैंड सिटी, जो आप 3,600 to 4,050 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 770 to 970 स्क्वायर फुट की यूनिट का चुनाव आप कर सकते हैं, 2017 में ये भी तैयार हो जाएगा। ये भी 40 एकड़ की टाउनशिप का हिस्सा है और जो NH-24 पे लोकेटेड है, 3 किलोमीटर दूर है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से। प्रोजेक्ट के भीतर स्कूल, हॉस्पिटल और शॉपिंग के भी ऑप्शंस बनाए जाएंगे और ये 8 किलोमीटर दूर है वैशाली मेट्रो स्टेशन से। ग्राउंड प्लस 26 से ग्राउंड प्लस 28 के स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं इसके भीतर और प्रोजेक्ट एक रीसेंट लॉन्च है और कंस्ट्रक्शन इसका अर्ली स्टेजेस तक पहुँच चुका है। दूसरी राय आपके लिए NH-24 बाईपास पे महागुण का महागुणपुरम 2, इसकी प्राइस है 2,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की, जो एक काफ़ी किफ़ायती प्राइस है, डेवलपर से मिल रहा है ये। 2 BHK की 840-2020 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं, ये भी 2017 में तैयार हो जाएगा। करीब 14 एकड़ के लैंड एरिया में इसे बनाया जा रहा है, 4 towers हैं ग्राउंड प्लस 22 to ground plus 24 floors के। प्रोजेक्ट NH-24 पे काफ़ी स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है, साथ में 10 किलोमीटर दूर है नोएडा से और इंदिरापुरम करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे ही पड़ता है। फेज़ 1 इसका सक्सेसफुली डिलीवर भी हो चुका है, जिसके भीतर 450 families रह भी रही हैं, जो एक
पॉजिटिव बात है। फेज टू जो है वो मिड स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुका है और प्राइस एडवांटेज मिल रहा है आपको। तो नोट कीजिए आपके ऑप्शंस कौन से हैं। प्रतीक ग्रैंड सिटी है प्रतीक ग्रुप की तरफ से और महागुनपुरम टू है महागुन की तरफ से। चलिए अगला सवाल हम ले लेते हैं, हमें ईमेल के ज़रिए मिला है। मनदीप सिंह पूछते हैं कि वो साया जायन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि नोएडा एक्सटेंशन में है। उनका मानना है कि कंपनी पहले उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, पहले का परफॉर्मेंस, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि साया जायन क्या एक एंड यूज़र के हिसाब से अच्छा है या नहीं और उनका बजट 60 से 70 लाख है। मनदीप जी, आपने सेक्टर 4 का चुनाव किया है, हम आपके लिए राइज टेक्सोन 4 और सेक्टर 16C में भी लाए हैं। सेक्टर 4 की बात करें तो ये गौर सर्कल के काफ़ी करीब लोकेटेड है, ज़्यादातर लैंड यहाँ पे गौरसंस को ही बिलोंग करता है। सीमलेस कनेक्टिविटी है इस सेक्टर की नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन की तरफ जो करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे है। सेक्टर 16C हमने चुना है क्योंकि ये सेक्टर 121 नोएडा के काफ़ी करीब है, सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है, इसको भी डायरेक्ट और सीमलेस कनेक्टिविटी मिलती है नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन की तरफ। तीसरा सेक्टर जो चुना है टेक्सोन 4 का वो है 6 किलोमीटर्स दूर है नोएडा के सेक्टर 122 से, कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे के थ्रू इस सेक्टर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दिल्ली में जो 16 का क्षेत्र यहाँ से करीब 18.5 किलोमीटर की दूरी पे है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर्स के अपार्टमेंट्स के आंकड़े हैं ये। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 212 हैं, टोटल सप्लाई 1,61,970 यूनिट्स की है, ये इस मार्केट में इन्वेंट्री काफ़ी है। उपलब्ध यूनिट 62,300 यूनिट्स की है और इन्वेंट्री ओवरहैंग थोड़ा भारी है, 35 मंथ्स का इन्वेंट्री ओवरहैंग चल रहा है। लग्जरी सेगमेंट के औसत दामों पे नज़र डालें तो 3,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम ट्रेड कर रहे हैं इस मार्केट में और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 26% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो 10-11% तक के रही हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके चुनाव पे, आपने सेक्टर 4 में साया होम्स का साया जायन प्रोजेक्ट चुना है, 4,500 to 4,600 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये डेवलपर से मिल रहा है। 3 BHK की 1340 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है, 2018 में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। 5.5 एकड़ के लैंड एरिया में कुल मिला के 9 टावर्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड प्लस 20 स्टोरीज की हाइट के। प्रोजेक्ट की लोकेशन देखें तो फर्स्ट एवेन्यू रोड पे गौर सिटी 1 में लोकेटेड है, गौर सर्कल से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, करीब 500 मीटर की दूरी पे है, जो एक अच्छी बात है कि काफ़ी प्रोमिनेंट लोकेशन है इसकी। मिड स्टेज तक पहुँच चुका है इसका कंस्ट्रक्शन और अमेनिटीज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारी राय में इसकी लोकेशन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, टाउनशिप के भीतर मेन एंट्रेंस गेट के पास बनाया जा रहा है। रेडी प्रोजेक्ट्स काफ़ी हैं आसपास, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट है ये, हमारी राय में आप इसे ज़रूर चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए हम दो और प्रोजेक्ट्स की भी राय लाए हैं। सबसे पहली राय है टेक्सोन 4 में गौरसंस इंडिया का गौर सौंदर्यम, जो एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है आपके लिए, 3,795 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से चुन सकते हैं। 3 BHK की 1550 या फिर 1595 स्क्वायर फुट की स्पेशियस यूनिट का चुनाव आप कर सकते हैं, 2018 में तैयार हो जाएगा। 17 एकर्स पे 9 ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं वेरिंग हाइट्स के, 20-21 स्टोरीज की हाइट होगी, नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड से ये लोकेटेड है, 1.3 किलोमीटर दूर है गौर सर्कल से, तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। 100 मीटर की वाइड ग्रीन बेल्ट को भी फेस करता है, तो काफ़ी हरा भरा इलाका है। कंस्ट्रक्शन 7 ब्लॉक्स का काफ़ी एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है और जो बाकी दो ब्लॉक्स हैं वो अर्ली स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुके हैं। पूरा प्रोजेक्ट 2018 तक तैयार हो जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग के साथ साथ इसे गोल्ड रेटेड सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। प्रोजेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है आपके लिए, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक और प्रोजेक्ट की राय लाए हैं सेक्टर 16C में महागुन इंडिया का महागुन माईवुड्स फेज 2, जो आप 3,675 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से चुन सकते हैं। 3 BHK की 1545 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है, 2016 में ये तैयार हो जाएगा, तो ये इसी साल रेडी हो रहा है। 35 एकड़ के लैंड एरिया में 26 टावर्स वेरिंग हाइट्स के बनाए जा रहे हैं इसके भीतर। अपने आप में जो माईवुड्स फेज 2 है उसमें 3 टावर्स हैं स्टिल प्लस 25 फ्लोर्स के। कंस्ट्रक्शन डिफरेंट स्टेजेस तक पहुंच चुका है, डिफरेंट फेजेस का। फेज़ 1 जो है वो काफ़ी एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है, फेज़ 2 मिड स्टेज तक है और फेज़ 3 अर्ली स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुका है। ये भी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ही डिज़ाइन कर रहे हैं प्रोजेक्ट।
तो अगर आपको अपनी पसंद के अलावा भी कुछ चॉइसेस चाहिए तो वो वैशाली लेकर हाजिर हैं। पहला है गौड सुंदरम, ये गौडसन्स इंडिया की तरफ से है, और दूसरा है महागुन माई वुड्स फेज टू, ये महागुन इंडिया की तरफ से है। चलिए रुक करते हैं हमारे अगले कॉलर का। हमारे साथ महेश मीना फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। महेश पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैम मुझे जयपुर में प्रॉपर्टी चाहिए रेजिडेंशियल, प्योर रेजिडेंशियल रहने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। मेरा बजट 50 लाख रुपए का है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप प्रोजेक्ट मुझे बताएं तो वो एक गवर्नमेंट जो जयपुर का डिपार्टमेंट है जेडी अप्रूव्ड हो और लोकेलिटी अच्छी हो, जहाँ से जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो फैमिली और बच्चों की ज्यादा मतलब पहुँच न हो, ज्यादा दूर ना हो, ऐसा कोई अगर प्रोजेक्ट है जयपुर में तो बताइए। मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ मैम। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही इलाके हम आपके लिए ढूंढ के लाएंगे जहाँ आप रह सकें और रिहाइश की जो आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। तो वैशाली, इनके लिए ये ज़रूरी है क्योंकि इन्हें रहना है उसमें, तो आप बताइए क्या इलाका आप इनके लिए सही मानती हैं? महेश जी, क्योंकि आपने एनडीयूज़ का उद्देश्य बताया है, हमें आपके लिए वैशाली नगर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो पसंद आए हैं। वैशाली नगर और एक्सटेंडेड वैशाली नगर हम चुन के लाए हैं। काफ़ी वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके आपकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए कि जो रिहाइश की सुविधाएं हैं वो सब आसपास होनी चाहिए, इसीलिए ये चुना है। वेल इनहैबिटेड सोसाइटी है, काफ़ी लोग यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं। अजमेर रोड से इसकी प्रॉक्सिमिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रेडी टू मूव इन ऑप्शन आपको काफ़ी मिलेंगे यहाँ पर। और हमने एक्सटेंडेड वैशाली नगर चुना है क्योंकि उसको भी वैशाली नगर के फ़ायदे होते हैं। अफोर्डेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये क्षेत्र आपके लिए हमें बेहतर लगा। वेल कनेक्टेड है ये वैशाली नगर की तरफ, और स्पेशली 200 फीट की वाइड दिल्ली अजमेर बाईपास रोड है, उससे इस क्षेत्र स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी मिलती है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करें। इस क्षेत्र के कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो यहाँ पे 16 हैं। टोटल सप्लाई 2950 यूनिट्स की है, उपलब्ध यूनिट 670 हैं, और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 14 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3600 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं, और दामों में बढ़त अगर पिछले 2.5 सालों के प्राइस ट्रेंड को देखें तो करीब 26% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को 11% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं, जो जयपुर के मार्केट के लिए काफ़ी हेल्दी हैं। आइए कुछ और रिकमेंडेशंस आपके साथ शेयर करते हैं अब, जो हम आपके लिए चुन के लाए हैं। वैशाली नगर के पास आशियाना हाउसिंग मंगलम ग्रुप का रंगोली गार्डन्स हमारी पहली राय है आपके लिए। 4000 to 4500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ख़रीद सकते हैं। 2 BHK की 1170 या फिर 1210 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा इसी साल। 26 एकड़ पे करीब 5 इंटीग्रेटेड ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं, ग्राउंड प्लस 4 स्टिल प्लस 12 स्टोरीज की हाइट के। प्रोजेक्ट जो है महाराणा प्रताप मार्ग पे लोकेटेड है, और ये आगे चल के 200 फीट वाइड दिल्ली अजमेर बाईपास रोड से जुड़ जाता है, और 2.5 किलोमीटर दूर है ये वैशाली नगर से, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोकेशन है इसकी। फेज 1 to 4 डिलीवर हो चुके हैं, कंस्ट्रक्शन फेज 5 to 7 का एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है इस प्रोजेक्ट के भीतर, और पूरा प्रोजेक्ट 2016 के एंड तक तैयार भी हो जाएगा। इसके भीतर काफ़ी अच्छी अमेनिटीज हैं, जिसमें 8.8 एकड़ के पार्क्स बनाए जा रहे हैं, 3 स्विमिंग पूल्स होंगे, 3 टेनिस कोर्ट्स के साथ साथ बैडमिंटन कोर्ट्स और क्रिकेट पिचेस भी बनाई जा रही हैं। दूसरी राय आपके लिए वैशाली नगर के पास वर्धमान ग्रुप का इंपीरियल हाइट्स 3100 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1300 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर बैठ रही है। 2016 में ये भी रेडी हो जाएगा। ये आर्केडिया ग्रीन्स जो एक बड़ी टाउनशिप है उसका हिस्सा है। टाउनशिप में इंडिविजुअल बंगलोज भी बनाए जा रहे हैं, और इंपीरियल हाइट्स अपने आप में 5000 स्क्वायर यार्ड्स पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। 800 मीटर दूर है ये गांधी पथ से, और प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इसका काफ़ी एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है। मिड ऑफ दिस ईयर या एंड ऑफ ईयर तक ये रेडी हो जाएगा, इसमें आपको प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है। तीसरी राय आपके लिए सैंड ड्यून का द डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट है, जो भी वैशाली नगर के पास है। 3500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1420 स्क्वायर फुट की स्पेशियस यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में
ये तैयार हो जाएगा। इसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी है। डेस्टिनेशन जो है वो करीब 15,000 स्क्वायर यार्ड पे बनाया जा रहा है। कुल मिला के 5 टावर्स हैं ग्राउंड प्लस 12 स्टोरीज के, और ये जो वैशाली नगर के पेरिफेरल एरियाज़ पे लोकेटेड है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आसपास में कई जाने माने स्कूल्स भी लोकेटेड हैं, और इसके साथ साथ जैसे हमने कहा प्राइस एडवांटेज तो मिल रहा है आपको। तो नोट कीजिए आपके लिए कौन से ऑप्शंस लेकर आई हैं वैशाली आपकी ज़रूरतों को देखते हुए। रंगोली गार्डन्स आशियाना हाउसिंग मंगलम ग्रुप की तरफ से, साथ ही इंपीरियल हाइट्स है वर्धमान ग्रुप का, और जो तीसरा ऑप्शन है वो द डेस्टिनेशन है सैंड ड्यून। चलिए ये तीन ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको जिसमें पैसा लगाना हो आप लगा सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझने हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब। इसके अलावा आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि आज कौन सा इलाका और कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं हम प्रोजेक्ट ट्रैकर में।